Students, welcome to this lecture. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गीगर-मुलर काउंटर को. तो स्टूडेंट्स, गीगर-मुलर काउंटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि रिलेशंस को डिटेक्ट करने के काम आती है. यानी कि इस डिवाइस के थ्रू हम ये पता चला सकते हैं कि किसी जगह पे हमारे पास रेडिएशंस मौजूद हैं कि नहीं. ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को, कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, जिनको मैं यहाँ पे आर ए से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, ये अपने आप को स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अब ये जब अपने आप को स्टेबल एलिमेंट्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये अपने आप को स्टेबल एलिमेंट्स में कुछ रेडिएशंस एमिट आउट करने के बाद स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कि हमारे पास कुछ रेडिएशंस मौजूद हैं कि नहीं किसी जगह पे, उसके लिए यूज़ किया जाता है गीगर-मुलर काउंटर. यानी कि गीगर-मुलर काउंटर को यूज़ किया जा सकता है कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशंस एमिट आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो गीगर-मुलर काउंटर है, इसको मैं जी एम सी से डिनोट करूँगी. ठीक है, जी एम सी. ठीक है, और जो गीगर-मुलर काउंटर है, इसे गैशियस आयनाइजेशन डिटेक्टर भी कहा जाता है. ठीक है, इसे गैशियस आयनाइजेशन डिटेक्टर. ठीक है, डिटेक्टर. उसकी वजह ये स्टूडेंट्स की जो हमारे पास डिवाइस है गीगर-मुलर काउंटर की, इसके अंदर गैसेस यूज होती हैं. ठीक है, और इसके अंदर आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो रेडिएशन एमिट आउट होती हैं उनकी वजह से. ठीक है, इसीलिए इसे गैशियस आयनाइजेशन डिटेक्टर भी कहा जाता है. ठीक है, अब इसका जो काम है वो होता है कि ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है. और इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था हैंस गीगर ने. ठीक है, हैंस गीगर और डब्ल्यू मुलर ने. ठीक है, डब्ल्यू मुलर ने इसको बनाया था 1928 में. ठीक है, 1928 में हैंस गीगर और डब्ल्यू मुलर ने गीगर-मुलर काउंटर को बनाया था रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए. और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास गीगर-मुलर काउंटर है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल भी हम लिख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल ये होता है कि ये एवलांच के ऊपर काम करता है. ठीक है, एवलांच. अब एवलांच से क्या मुराद है, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे. ठीक है, गीगर-मुलर काउंटर की, तो इसका जो प्रिंसिपल मेन होता है वो ये होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे ई एस से डिनोट कर रही हूँ. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय कॉजिंग मोर आयनाइजेशन. तो सुनिए, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इससे मुराद ये है कि ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है ये डिवाइस, कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कंडक्शन का सबब बनते हैं किसके थ्रू, ज़्यादा आयनाइजेशन के थ्रू. ठीक है, तो उस आयनाइजेशन की वजह से हमारे पास एवलांच का प्रोसेस भी वजूद में आता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम गीगर-मुलर काउंटर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास गीगर-मुलर काउंटर होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है. ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेटअप है एक गीगर-मुलर काउंटर का. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है. ठीक है, यहाँ पे एक हॉलो मेटल सिलेंडर है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है, इसके यहाँ पे आप ब्लैक कलर की लाइंस देख सकते हैं. ठीक है, ये जो डार्क ब्लैक कलर्स की लाइंस दो हमारे पास मौजूद हैं इस सिलेंडर के अंदर, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि ये कैथोड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये कैथोड है, कैथोड. ठीक है, और ये एक्चुअली मेटल से बना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है कि ये एल्यूमिनियम ट्यूब है. ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास ट्यूब की सरफेस होती है, ठीक है, सरफेस या हम बाउंड्री से कह सकते हैं, ये हमारे पास कैथोड होता है. ठीक है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ये. ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसी ट्यूब के दरमियान में एक वायर मौजूद है. ठीक है, जो कि होती है एनोड. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, सेंट्रल वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एनोड होता है. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू करंट एक सिस्टम में से एंटर या फिर लीव करता है.
इसी तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्यूब है इसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हीलियम, नियॉन और आर्गन गैस एट लो प्रेशर, और ये हमारे पास तो एक गैस है, ठीक है, यानी कि या तो हीलियम होगी या नियॉन होगी या फिर आर्गन गैस होगी, इसके साथ एक और गैस भी मिलाई जाएगी, ठीक है, जो नॉर्मली होती है ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो नॉर्मली ब्रोमीन यूज की जाती है। अभी जो हमारे पास हीलियम, नियॉन या आर्गन गैस में से जो भी गैस यूज की जाएगी, ये तीनों गैसेस कौन सी हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है। इनर्ट गैस का मतलब ये होता है कि ऐसी गैस जो कि ज्यादा रिएक्टिव ना हो, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब हम दूसरी गैस ब्रोमीन यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब ब्रोमीन गैस हम इसमें डालेंगे तो हमने इनर्ट गैस इसीलिए डाली है कि वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है, और जो ब्रोमीन गैस है वो हमने इसलिए डाली है कि वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज की जाएगी, ठीक है, जो कि हम इसकी वर्किंग में डिस्कस करेंगे जब हम गीगर-मुलर काउंटर की वर्किंग हम देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, तो उसी के दौरान हम देखेंगे कि ये जो ब्रोमीन गैस है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है, और इसी की वजह से हम एक इनर्ट गैस यूज़ करते हैं एक मिक्सचर में जो कि होती है हीलियम या नियॉन या फिर आर्गन गैस। और सुनिश्चित जो हमारे पास गैस का मिक्सचर होता है ये बहुत लो प्रेशर पे होता है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 0.1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, सही। सुनिश्चित यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्यूब है, ठीक है, ये जो सिलेंडर सा है इसकी एक जो साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि थिन मीका विंडो। तो सुनिश्चित यहाँ पे हमारे पास जो विंडो है वो थिन मीका से बनी होती है। मीका हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जिसकी अगर यहाँ पे विंडो लगाई जाए तो यहाँ पे वो रेडिएशंस को एंटर तो होने देगा, ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को एंटर होने देगा, गामा रेज को एंटर होने देगा, लेकिन उनको वापस निकलने नहीं देगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको वन वे विंडो भी कह सकते हैं, यानी कि वन वे एंट्रेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स भी मौजूद है जिसके अंदर से रेडिएशंस एमिट आउट होंगी, तो यही गीगर-मुलर काउंटर जो है उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के काम आएगा। और स्टूडेंट्स इस ट्यूब की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल जो है वो अप्लाई किया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पोटेंशियल, ठीक है, एनोड और कैथोड के दरमियान, जो कि यहाँ पे है 450 वोल्ट्स, ठीक है। और इसी तरह से सर्किट में हमारे पास एक स्केल मीटर या रेट मीटर भी मौजूद है जिसका काम ये होता है कि ये जो हमारे पास गीगर-मुलर काउंटर में पल्सेस आ रही होती हैं उनको ये काउंट करता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जब हम वर्किंग को डिस्कस करेंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो पल्सेस हैं इनसे क्या मुराद है जिनको ये स्केल मीटर या रेट मीटर काउंट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास जो पोटेंशियल मौजूद है 450 वोल्ट, ठीक है, ये ऐसा पोटेंशियल है जो कि इस रेंज में है कि जो हमारे पास गैसेज हैं इस ट्यूब के अंदर वो डिस्चार्ज ना होना शुरू हो जाए, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस पोटेंशियल पे हमारे पास ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा उससे थोड़ा सा कम पोटेंशियल यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देखा है कि जो हमारे पास गीगर-मुलर काउंटर है उसका जो हमारे पास सेटअप होता है वो क्या होता है। तो इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे गीगर-मुलर काउंटर की वर्किंग को। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।